हल्लेलुया बारी बाहुल्ला बारी। अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख पिता, कोई महमारी कोई मारी इनको छू भी ना पाए पिता। जो तेरे कार्य के तेरे प्रचार के लिए पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं प्रभु। व्हाट्सएप में बहुत से मैसेज आए हैं, अमेरिका, स्पेन, यूरोप, सऊदी अरेबिया, बहुत से देशों से लोग प्रार्थना को देखते हैं और वो बड़े बोझ के साथ उस जगह के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। भारत देश से भी बोल रहे हैं, मैं आपकी प्रार्थना को देखकर मैं अपने भारत देश के लिए और संसार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, कह रहा हूँ प्रभु आपके द्वारा उस मोहल्ले को, उस शहर को, उस देश को बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुरों में इतना समय साथी हो, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ सुबह यानी कि भोर का प्रार्थना। इस प्रार्थना में घर परिवार जो मार पड़े उनके लिए, सभी समस्याओं के लिए, हर एक बीमारी के लिए, महामारी के दिन भर आशीष के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो विश्वासपूर्वक इस प्रार्थना को देखिए और सुनिए और अपने जीवन में, अपने घर में रिसीव कीजिए। आज हम दो वचन देखेंगे और ये दो वचनों से प्रभु किसी के द्वारा बात करने जा रहा है, तो ध्यान से इस वचनों को सुनिए। पहला हम देखते हैं लूका के 11 अध्याय के उसके 28 पद में लिखा है, धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं। परमेश्वर के नजर में धन्य कौन है जो उसके वचन सुनते, यानी कि जो हम वचन आपको बताते हैं, आप जो वचन पढ़ते हैं बाइबल से और उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं और उस पे मानते हैं, यानी कि उसके वचनों पे चलते हैं, वे ही परमेश्वर के नजर में धन्य है। यहां पास कहता है धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हमें प्रभु के वचनों पे चलना है, उसके आज्ञाओं को अपने जीवन में मेरे पियो पालन करना है। और दूसरा वचन जो देखते हैं लूका के 12वें अध्याय के उसके 22 पद में, वहां पर लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएं, ना अपने शरीर की चिंता कि क्या पहने, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, वे ना तो बोते ना काटते ना उनके भंडार है और ना ही खत्ता है, तो परमेश्वर उन्हें पालता है। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। मैं पियो ये वचन बहुत से लोगों के जीवन में आशीष लेके आने जा रहा है। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोच रहे हैं कल क्या होगा, हम कल क्या खाएंगे, हम कल क्या पहनेंगे। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है मेरे पियो और कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, जो पक्षी आसमान में उड़ते हैं, इधर उधर रह फिरते चलते हैं, उन पे ध्यान दो। और कहता है वचन, वे ना तो बोते हैं ना ही कमाते हैं, मैं अपने से बोल रहा हूँ, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके कुछ भंडार है और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। उनके पास कुछ भी व्यवस्था नहीं होती है, वो रोज इधर से उड़ते हैं, उधर जाते हैं और अपना दाना चुपते हैं और खाते हैं। ना उनके पास कुछ खत्ता है, ना ही वो भंडार है, ना ही वो बटोरते हैं, लेकिन स्वर्ग पिता उन्हें खिलाता है और जिलाता है। जिस परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है मेरे पियो, वो हमारी चिंता क्यों नहीं करेगा? वो हमारी चिंता करता है, वो हम सब की चिंता करता है, वो सारी सृष्टि की चिंता करता है। वो हमारा रक्षक है, वो हमारा परमेश्वर है, हम उस पर भरोसा रख सकते हैं। वो हमें महारोगी से, बहेलियों के जाल से वो बचाने का तत्पर्य रहता है। हमारा रक्षक स्वर्गदूत है, वो हमें पाँव में ठेस भी नहीं लगने देंगे, केवल हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए, हम उसकी आज्ञाओं को पालन करने वाले हो जाए मेरे पियो, और प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करके देने जा रहा है। विश्वास कीजिए ये वचन आपके लिए है। जो भाई बहन चिंता कर रहे हैं इस बात को लेकर, इस वचन पे विश्वास रखे, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि जूतों का परमेश्वर हमारे संग है। ये वचन आज बहुत से लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करने जा रहा है, वो चिंता को निकाल फेंकने जा रहा है और वो केवल प्रभु पर भरोसा रखने वाले हो जाए। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी कमी को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देखिए
और इसके वचनों पे चलिए। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करने इच्छा रहा। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप भेजिए। हम हमारी मिनिस्ट्री बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता है, विश्वास के साथ देखे प्रार्थना को। हालेलुया 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 बारी बाहुला रबा रिखा रबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु ग्लोरी 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 रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता इन सारे बातों के लिए। पिता परमेश्वर रात में सुनाए दिया पिता, एक नया दिन दिखाया पिता परमेश्वर, अपने पंखों के आड़ में छुपाए रखा पिता, हर एक महामारी हर एक बीमारियों से हम सबको बचाए रखा और जीवितों के बीच तूने हम सबको जीवित रखा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। ग्लोरी 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 ग्लोरी। प्रभु जी हम धन्यवाद हैं इन सारे बातों के लिए पिता परमेश्वर। दिन भर पिता परमेश्वर पंखों का में छुपाए रख पिता, जो प्रार्थना को देख रहे हैं सुन रहे हैं पिता, जिस घर में चल रही प्रार्थना पिता, उस जगहों को उन घरों को उस घर में हर एक लोगों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख पिता, कोई महामारी कोई मारी को छू भी ना पाए पिता परमेश्वर। यही हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य जगह प्रकट हो जाए खुदा। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस वक्त पिता चिंता कर रहे हैं प्रभु जी, वो हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के शैतान इनके मन में विचार डाल रही है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। मैं पियो प्रभु हमारी चिंता करता है, अपनी चिंता अपनी समस्या अपना बोझ उस पर सौंप दीजिए, वो सब कुछ पूरा करके हमें देने जा रहा है। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे मेरे पियो। वो हमारे संग संग रहता है, वो हमारे जीवन में इतना ही दुख कष्ट भेजता है जितना हम सह सके, वो उससे अधिक नहीं भेजेगा मेरे पियो। अगर भेजेगा तो उससे निकलने का रास्ता उससे निकलने का एक मार्ग भी हमें बताएगा, केवल हम प्रार्थना में समय बिताने वाले हो जाए मेरे पियो। वो सब कुछ हमें पूरा करके देने जा रहा है। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। इन सब की चिंताओं को दूर किया पिता परमेश्वर, बंद रास्ते को खोला बंद मार्ग खोला, हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भाई बहन पिता बीमार पड़े हैं प्रभु जी, हाँ पिता वो दवाई खा के थक चुके हैं पिता, वो थके माए तेरे पास आए हैं और संपूर्ण मन से विश्वास के साथ तेरे पास आए हैं पिता। वो हॉस्पिटल जाना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। मैं पियो आइए घुटनों पे आकर आंसुओं के साथ गिराते हुए अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु से मांगते हुए उससे प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हमारी बीमारियों को हमारे दुखों को हमारे कष्टों को प्रभु यीशु मसीह ने कब्र क्रूस पर सह लिया है, हम उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मुंह से अंगीकार कीजिए अंगीकार कीजिए और लहू में जो सामर्थ्य मैं पियो आपको जीवन का सहभागी बना सकता है, आपको पापों से मुक्ति दिला सकता है और आपको स्वर्ग राज का अधिकारी भी बना सकता है। और लहू में सामर्थ्य है मेरे पियो। ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड। पिता इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते, अपने लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र कर पिता। ये जिस जगह में जिस घर में रहते हैं पिता, वो जगहों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वहां कार्यशील हो जाए पिता। हर एक व्यक्तियों को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। इनके हाथों इनके पैरों में एक नया बल एक नया शक्ति एक नया सामर्थ्य नाम से आ जाए पिता। इन सबको तो चंगाई प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सारे भाई बहनों के लिए पिता, जो विदेश में रह कार्य करते हैं पिता, और जहाँ भी रह कार्य करते हैं पिता, घर में हॉस्पिटल में बाहर में पिता परमेश्वर, और जहाँ भी जाते हैं पिता पंखों की आड़ में छुपाए रख पिता परमेश्वर, हर एक महामारी से हर एक बीमारी से इन सबको बचाए रख प्रभु जी। ये जहाँ भी जाते हैं पंखों की आड़ में छुपाए रख पिता, जो बीमार पड़े हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम उनको चंगाई की घोषणा करते हैं। जो समस्याओं में घिरे हुए हैं पिता, हर एक समस्याओं को हम इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं, और समस्याएं चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो पिता, इन सब को तो छुटकारा दिला दिया, धन्यवाद देते हैं। हम इस वक्त प्रार्थना करते पिता पूरे भारत देश के लिए पिता, भारत देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। भारत देश में चंगाई का समर्थ प्रकट हो जाए पिता, जो पिता महामारी दिन प्रतिदिन फैल रही है पिता, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में हम उसको जला के शून्य करते हैं पिता। उस महामारी जो बीमार पड़े हैं पिता परमेश्वर,
हमको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम को चंगाई की घोषणा करते हैं। हर एक महामारी हर एक बीमारी पिता इस भारत देश से पिता दूर हो जाए। भारत देश को हम इसको आज़ादी की घोषणा करते हैं। जो डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं पिता हम उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख पिता परमेश्वर, कोई पिता परमेश्वर बीमारी उनको छू भी ना पाए पिता। हाँ पिता ये जब तेरे इलाज करते हैं पिता बड़े हिसाबों के साथ इलाज करने वाले हो जाए पिता। इनके अंदर जो डर की आत्मा कार्य कर रही है किसी किसी के अंदर पिता, उस डर की आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम में हम निकाल फेंकते हैं। इन सब को पंखों के आड़ में छुपाए रख। भारत देश को हम तेरे नाम से आशीष करते हैं पिता। इन सबको आशीष दिया धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते पिता इस वक्त पिता संसार के लिए पिता, जिस देश से पिता इस महामारी फैल रही है पिता, अमेरिका स्पेन यूरोप इटली फ्रांस पिता हर एक देशों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। मैं पियो हर एक देश से ये प्रार्थना देख रहे हैं, आप घुटनों पे आइए उस देश के लिए उस शहर के लिए प्रार्थना कीजिए। बहुत से लोग प्रार्थना निधि भेजे हैं व्हाट्सएप में, पास्टर जी मैं आपकी प्रार्थना को देखकर मैं उसी प्रकार से प्रार्थना कर रहे हूँ कह रहा हूँ प्रभु आपके जीवन में और आपके द्वारा उस जगह में उस देश में कार्य करने जा रहा है। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। मैं जितने भी देश का नाम ले रहा हूँ उन सारे देशों से इस वीडियो को देखा जा रहा है। परमेश्वर आपके द्वारा उस जगहों में कार्य करने जा रहा है। घुटनों पे आइए, आंसुओं के साथ गिराते हुए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ग्लोरी 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 पिता इन सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर कर प्रभु जी। ये जब देश के लिए पिता जिस देश में रहते हैं उस जगह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उस जगह में इनके द्वारा अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए पिता। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। विश्वास के साथ इस प्रभु आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है। बिना डरे बिना हिचक प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने आपकी सामर्थ्य दिया है। प्रभु का वचन कहता है जो मुझ विश्वास करता है जो मैं करता हूँ उससे अधिक तुम मुझसे बढ़कर तुम कार्य करोगे। प्रभु ने हमें वो सामर्थ्य दिया है, विश्वास करने वालों के जीवन में वो कार्य करने जा रहा है। प्रभु ने हमें अपने से अधिक सामर्थ्य दिया है मेरे पियो। केवल हम पापों में फंस कर और विश्वास में कमी होने के कारण वो हम सामर्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन विश्वास से मजबूत होइए। प्रभु ने हमें वो सामर्थ्य दिया है। विश्वास कर प्रार्थना कीजिए। आपके प्रार्थना के द्वारा चाहे आप भारत देश से हो चाहे विदेश में रह प्रार्थना देख रहे हो, प्रभु आपके प्रार्थना के द्वारा आपके मोहल्ले को आपके शहर को आपके देश को बचाने जा रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जिन सारे भाई बहनों को हम पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं, जब ये घुटनों पे आकर पिता बड़े बोझ कर उससे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, इनको तो सामर्थ्य भरपूर कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पिता वहाँ कार्यशील हो जाए प्रभु जी। इन सारे देशों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। जो महामारी हाहाकार मचा रही है पिता, उस महामारी को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम के शून्य करते हैं पिता। पूरे संसार को इस महामारी से आजादी की घोषणा करते हैं। पूरे संसार में तेरी चंगाई का सामर्थ्य इस समय प्रकट हो जाए। तूने ऐसा कर दिया पिता, धन्यवाद देते हैं। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। इन सबको चंगाई प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। इन सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में हम आशीष प्रदान करते हैं पिता। जो भाई बहन बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाएं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं पियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ। जब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता है विश्वास के साथ उससे प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके जीवन में आशीष उड़ने चाह रहा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ग्लोरी 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 पिता। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता, यही प्रार्थना करते हैं। जो दारू की आत्माओं में, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माओं, अंधकारिक आत्माओं में फंसे हुए हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उन सबको इस बुरे लतों से पिता परमेश्वर आजादी की घोषणा करते हैं। हाय दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा, प्रतिबंधी की आत्मा, ईश्वर से के नाम में इनके जीवन से इनके घर से निकल के चली जाए। ये प्रार्थना जिस घर में चर पिता, उस जगहों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उस जगह तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता। उस घर से की शांति, वचन का प्रकाश, वो जीवन का सामर्थ्य, वचन की शांति तेरे नाम से आ जाए पिता। यही प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते पिता इस वक्त पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता, जो तेरे कार्य के तेरे प्रचार के लिए पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं प्रभु जी। उन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता। वो जितना भेंट भेजते हैं पिता उतना नहीं बल्कि 100 गुना जीवन तू आशीष देने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं पिता। इन सबको हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चल उस घर के चावो तो थोड़ा बांधते हैं पिता। हर एक व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। दिन भर पंखों का में छू पाए रहे, कोई महामारी कोई मारी को छू भी ना पाए। प्रार्थना सुआ धन्यवाद। प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम यीशु नाम मांगते सुन दया से ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन और आमीन।
हालेलुया। मैं पियो विश्वास पूर्वक इस प्रार्थना को देखे, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें आशीष प्रदान करने जा रहा है। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। व्हाट्सएप में बहुत से मैसेज आए हैं, अमेरिका, स्पेन, यूरोप, सऊदी अरेबिया, बहुत से देशों से लोग प्रार्थना को देखते हैं और वो बड़े बोझ के साथ उस जगह के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। भारत देश से भी बोल रहे हैं, मैं आपकी प्रार्थना को देखकर मैं अपने भारत देश के लिए और संसार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, कह रहा हूँ प्रभु आपके द्वारा उस मोहल्ले को, उस शहर को, उस देश को बचाएगा। हालेलुया। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग प्रार्थना के साथ जुड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले बन जाए। गॉड ब्लेस यू।